अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। कुछ टाइम बिजी होने की वजह से मैं व्लॉग डेली अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन अब सब कुछ रूटीन पर आ गया है तो इंशाल्लाह अब आप डेली ही मेरे व्लॉग देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट, और जो मेरी फैमिली में ऑलरेडी हैं उन सबका बहुत थैंक यू कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं। पाकिस्तान से यूके आने तक का सफ़र आपको सब कुछ साथ साथ शेयर करूंगी। ये हैं जी कुछ लास्ट फेयरवेल पार्टीज़ जो मुझे दी गई हैं पाकिस्तान में फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ। तो छोटा सा एक मिनी व्लॉग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बात है 23 मार्च की, जिस दिन इन लॉज के साथ मैं आई हूँ पाम विलास। और ये बात है जी चांद रात की, और नेक्स्ट डे ही रमज़ान स्टार्ट हो गया, और इसके साथ साथ मेरी तैयारियां भी चलती रहीं और साथ साथ फेयरवेल पार्टीज, मिलना मिलाना, ये भी सब कुछ साथ साथ चलता रहा है। मुझे लग रहा है ये रोल है, ये मुझे आज दिल किया है जी बारबेक्यू खाने का, क्योंकि आए रोज जंक फास्ट फूड खा खा के एक तो वेट भी बहुत गेन हो गया है। खैर गेन तो इससे भी होना है, लेकिन पता है कि आगे जाके जो आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा तो होपफुली कम हो ही जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ, बहुत खा लिया आपने? बहुत, पेट भर गया, बड़ा ठोस है यार। अच्छा, ऐसा क्या खा लिया आपने? पिज्जा। अच्छा। तीन पीस पिज्जे के खाए। ओए अजान, हमने ये डिनर किस खुशी में की है? क्योंकि आप लंदन जा रही हो। अच्छा, तो आज हम कौन कौन आए हुए थे? अम्मा, मैं, आप, बाबा जी और मामा और मूछा। आपको मजा आया? मुझे बहुत मजा आया। आगे टिड्डू की तो बना। हेलो टिड्डू, टिड्डू कहाँ खोए हुए हो? अजान, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप मुझे मिस करोगे? मैं बहुत मिस करूंगा, और जो हम रोजाना पार्टी करने आया करते थे बहुत। अच्छा। अजान को जी मूसा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है और वो उसकी फैम को खुद हैंडल करता है। अजान, आप तो फिर मूसा को भी बहुत मिस करोगे? बहुत मिस करूँगा। बहुत मिस करोगे, हम आपको रोज़ वीडियो कॉल करेंगे। हेलो जो का हेलो कर। गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं। और अली मूसा, आप दरवाजे पे किस चीज का वेट कर रहे हो? गेट खुलने का। तो हमारा रूम कौन खोलेगा? अली मूसा, आपको कोई मेडो खानी है? नो। ओके भाईजान जी, हमारा रूम खोलने लगे हैं और अली मूसा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस चीज का। लाइट्स भी ऑन करें अंदर कमरे की। इसके बाद है जी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, जो कि हमने चूज किया है फॉक एंड नाइफ। और मेरी फ्रेंड्स भी हैं मैरिड, और जिसमें एक डॉक्टर दोस्त की रिसेंटली शादी हुई और वो भी पाकिस्तान से यूएसए की तरफ जा रही है। उसकी फ़्लाइट थी जी 7 मार्च को और मेरी फ़्लाइट थी 7 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स ने हम दोनों को इकट्ठा ही फेयरवेल दिया है। कस्टमाइज केक बनवाया गया है जी टेम्पटेशन से, बड़ा ही प्यारा, मेरे नाम के साथ यूके लिखा हुआ है और फ्रेंड के नाम के साथ यूएसए लिखा हुआ है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं हम लोग, और मुझे तो बहुत पसंद आया ये केक, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। और आप लोग इसकी डेकोरेशन तो देख ही रहे हैं कि कितना प्यारा डेकोर हुआ है, और कितना अच्छा लगता है कि आपको इतना प्यारा सरप्राइज़ मिले। इसके साथ ही हमें इतनी प्रीटी वॉचेस भी मिली हैं जी फ्रेंड्स की तरफ से। और खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया है जी पिज़्ज़ा, और उसके बाद स्पिन रोल। टेस्ट वॉज जस्ट नॉर्मल, इतना अच्छा नहीं था फॉक एंड नाइफ का, जबकि पास्ता सबसे अच्छा ब्राइडे का है। और घर पर आकर हमने टी पार्टी करने के बाद बाय बाय किया है, और इसके बाद मैं अपनी एक और फ्रेंड की तरफ सरप्राइजिंगली उसे मिलने के लिए गई हूँ उसके घर। और उसका घर है जी मक्का टाउन में, नई ही सोसाइटी बनी है और पाम विलास के साथ ही है।
शादी के बाद जाते जाते मुलाकात उसको बहुत अच्छा लगा और उसके घर में काफ़ी छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें थी जो उसकी मामा खुद बनाती हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त घर सेट किया हुआ था। खैर बिल्कुल थोड़ी देर बैठने के बाद ही हम लोग यहाँ से निकले हैं और उसके बाद मुझे घर आकर कॉल की गई है भाई की तरफ से कि तुम हमारे साथ आज इफ्तार कर रही हो और आज की फेयरवेल पार्टी तुम्हारी हमारी तरफ से है। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह अगला व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि जर्नी स्टार्ट होने लगी है। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। स्टे ट्यून।